नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं गोविंद सर, इस लेक्चर में आपके लिए बिहार SGS की वैकेंसी के बारे में और इसके साथ ही साथ आपको इस एग्ज़ाम के विषय में हम कौन सा क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, इनके विषय में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके और बिहार SGS की जो वैकेंसी है उसको आप लोग अच्छी तैयारी करिए और सिलेक्ट होइए। ठीक है, आइए बताते हैं कि क्या वैकेंसी है और इसका क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा। तो वैकेंसी के बारे में आपको पता है कि इसमें टोटल वैकेंसी, टोटल सीट्स थर्टी है। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल सीटें जो हैं वो 30 हैं। ठीक है, और इसमें एज की जो रिक्वायरमेंट है 35 से 50 तक होती है। इसमें हर स्टेट के स्थान पे यहाँ पे 5 साल का अधिक रिलैक्सेशन मिलता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे केसेस भी मांगता है, 24 केसेस पर ईयर, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस बार पहले की तुलना में इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और इस वैकेंसी को जो लास्ट डेट है, आप देखेंगे लास्ट डेट जो है इसकी शुरू हो गई है, ये 22 दिसंबर से शुरू है और ये 20 जनवरी तक है। ध्यान दीजिए कि इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, ये तो 22 दिसंबर से शुरू हुई है और ये 20 जनवरी 2024 तक है। इसको आपको भर देना है और 27 जनवरी तक आपको फॉर्म भेजने का डेट है। ठीक है, तो इस सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ साथ प्रश्न ये है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि बिहार की वैकेंसी भी रेगुलर आ रही है लेकिन कभी कभी ये भी जो है आने में इसमें भी डिले हो जाता है। तो अब प्रश्न है, जब वैकेंसी आ गई जिसकी तैयारी हम कैसे करें, तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम में इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है अदर स्टेट की अपेक्षा। क्योंकि इसमें प्री एग्ज़ाम में आप देखेंगे, इसका हम प्री का सिलेबस बताएंगे आपको, प्री एग्ज़ाम में इसमें टोटल 14 एक्ट्स पढ़ने हैं, 14 एक्ट्स हैं, मेजर और माइनर मिला करके टोटल 14 पढ़ना है। और मेंस एग्ज़ाम में, मेंस में टोटल 18 एक्ट्स होते हैं, ये पढ़ना है, जिसमें मेजर मिला करके होता है। तो अब प्री के लिए 14 एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ना और क्वालिफाई करना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक अच्छी तैयारी होनी ज़रूरी है। तो आपको 8 जनवरी याद रखिएगा, 8 जनवरी 2024 से हम इसके लिए एक स्पेशल बैच प्री का, प्री टारगेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको सारे अच्छे से क्वेश्चन तैयारी होगी और जितने भी एक्ट इसमें इंक्लूड किए हैं उसको तो आप अच्छे से डिटेल ला करके समझाना और उसको 60 रिवीजन कराना और उस पर आपका क्वेश्चन आंसर कराना, ताकि आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। तो आप सभी लोग इस प्री टारगेट बैच को ज्वाइन करिए और इसके साथ ही साथ हम इसका मेंस का भी बैच आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो या एग्ज़ाम देने के बाद ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी जैसी है। ठीक है, लेकिन इस बैच को आप ज्वाइन करिए ताकि बिहार का एग्ज़ाम जो प्री है होता है वो बहुत ही देखा जाए तो टफ एग्ज़ाम होता है, डिफ़िकल्ट होता है। आपको इसमें किसी भी तरीके की जो है वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर के लिए आपको इसकी फ़ी क्या होगी, इसके लिए आप मेरे इस नंबर पर जो है मैसेज करेंगे, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको फ़ी का डिटेल नॉलेज हो जाएगा और आप फीस जमा करके और इस बैच को ज्वाइन करिए। फिर हम अगले लेक्चर में आपको इसी विषय में प्री का और मेंस का अलग से सिलेबस भी आपको जल्दी ही बताएंगे।